हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियस। आज मैं आपको मेथी आलू की भाजी बनाना बताऊंगी। उसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। आलू मेथी के भाजी के लिए मैंने एक गड्डी मेथी का भाजी लिया है, जिसको मैंने साफ करके रख लिया है। इसको हम धो के बारीक काट लेते हैं। पहला एक आलू लिया है मैंने, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। दो हरी मिर्ची ली है, जिसको भी टुकड़ों में काट लिया मैंने। एक कांदा लिया है, जिसको बारीक काट लिया है। चार कलियाँ लहसुन की और एक छोटा पीस अदरक का लिया है, जिसको हम अभी ग्रेट कर लेंगे अदरक और लहसुन को। तो देखिए, मेथी के भाजी मैंने साफ करके बारीक काट के रख ली है और अदरक लहसुन को भी ग्रेट कर लिया है मैंने। कढ़ाई में मैंने एक चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब इसमें मैं कांदा और बटाटा डाल के फ्राई कर लूँगी पहले। तो देखिए, मैंने बटाटा, हरी मिर्ची और कांदा भी डाल दिया इसमें। इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे, उसके बाद में मेथी का भाजी जो काट के रखा है वो उसमें ऐड कर देंगे। बटाटा और कांदा थोड़ा फ्राई हो गया है, अभी जो हमने अदरक और लहसुन ग्रेट करके रखा है वो इसमें डाल देंगे और मेथी का भाजी इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन थोड़ा मैंने थोड़ा फ्राई कर लिया है और अभी हम मेथी का भाजी इसमें डाल के थोड़ा हल्दी और नमक डाल के ढककर पका लेंगे। देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक ऐड कर दिया है। अभी हम इसको ढक के दो मिनट पका लेते हैं पहले। तो देखिए, हमारे आलू की भाजी बन के तैयार हो गई है। आलू भी मस्त पक गया है। ये देखिए, आलू मेथी की भाजी बन के तैयार हो गई है। इसको आप रोटी के साथ, राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ईजी है, जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी होती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आलू मेथी की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।